तो शुभम सर, जैसे अभी आपका चैनल डिलीट हो गया, तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है ये ऑडियंस को बताइए, ताकि अगर किसी का चैनल डिलीट होता है और किस रीज़न की वजह से हुआ था, शॉर्ट में बताइएगा, ताकि ये मिस्टेक कोई और ना करे, और अभी हम इसको रिकवर करने के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर रिकवर नहीं होता है तो नेक्स्ट आपका क्या माइंडसेट है और क्या प्लान ऑफ एक्शन है, प्लीज़। देखिए, चैनल डिलीट होना तो एक डिजास्टर थिंग तो है ही, और मेरे लिए भी है डिजास्टर, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बात यह है ना कि मेरा जो चैनल थे, मेरे पास दो चैनल हैं, और सेकंड चैनल में मैंने कुछ उनकी गाइडलाइंस स्ट्राइक कर दी, मेरी कुछ स्ट्राइक आ गई जिसकी वजह से मेरे दोनों चैनल गए। तो यहाँ पे एक गिव अवे आपके लिए ये है कि टेक अवे आपके लिए ये है कि आप जब भी कोई चैनल बनाइए, उनके आईडीज भी बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, और उनके जो गूगल एडसेंस हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक चैनल के पास एक ही चीज़ होना चाहिए, कभी भी मिक्स मत करिए, क्योंकि कभी भी किसी चैनल में कुछ भी, क्योंकि एक डिजिटल चीज़ें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका पूरा करियर दाव पे लग सकता है, जैसे मेरा भी लगा। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर दो चैनल हैं तो दोनों की ईमेल आईडीज बिल्कुल अलग होनी चाहिए, दोनों के एडसेंस अकाउंट बिल्कुल अलग होने चाहिए। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं, यूट्यूब की मेलबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भी कोई गलत बात नहीं थी जिसके आप चैनल डिलीट कर दोगे, है ना। जो जिसमें गलत काम हुआ है, हाँ, आप उस चैनल को डिलीट करिए, नो इशू, हम इस चीज़ को लेने के तैयार हैं। बट उसके साथ साथ लिंक्ड चैनल को भी आप हटा रहे हो, तो उसकी तो गलत बात है ना, क्योंकि उसमें कोई पॉलिसी हमने ब्रेक नहीं करी है। सो अभी हम ट्वीट कर रहे हैं, और यूट्यूब क्रिएटर्स का जो टीम है, सपोर्ट टीम को, उसको मेल भी कर रहे हैं। हमारी पूरी TLF क्रिएटर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हर कोई इतना सपोर्टिव है कि हर कोई बहुत अच्छे से ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, और मेल भेज रहा है यूट्यूब को। अब देखते हैं होता है कि नहीं, अगर होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो फिर वापस करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि अब हट जाते हैं, सोच जाते हैं। मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, और यही शायद मेरे कुछ एक्शन से लोग और मोटिवेट भी होंगे कि नहीं यार, खत्म होने के बाद भी बंदा वापस अगर खड़ा हो सकता है तो डेफिनेटली हम भी हो सकते हैं। तो मेरा हमेशा रहा है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, और इसी मोटिवेशन के आड़ में मैं डेफिनेटली दूसरा चैनल बनाऊंगा और फिर उस पर काम करेंगे। TLF की टीम मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मैंने आज तक कभी ट्विटर नहीं चलाया था, लेकिन सबने सिखाया कैसे ट्विटर बनाया जाता है। इवन मेरे मेंटोर ने खुद से ट्वीट किया, फिर हम उसको रीट्वीट कर रहे हैं, और एवरीबॉडी सपोर्टिंग, हर किसी का अलग अलग मैसेज आ रहा है कि वी आर विद यू। सो देखो, कहीं ना कहीं इसी बिजनेस में इतना नाम बनाया है, तो कहीं ना कहीं टीम का सपोर्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेके मेंटोर्स, क्रॉसलाइंस, अपलाइंस, everybody is supporting over here, और हर कोई मेरे साथ खड़ा है, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जैसे सब कोई YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस पे ये बात पहुँचे, ताकि आपका चैनल सब्सक्राइब किया जाए, है ना, और आपकी जो मैसेज है वो आपके YouTube वीडियो के थ्रू, हमारे वीडियोज़ के थ्रू वो YouTube तक पहुँचे, ताकि आपका वो चैनल रिकवर हो। बट मेरा एक लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि जो 3 साल की मेहनत आपने इसमें डाली है, वो कैसे आप नेक्स्ट 6 महीने में अचीव करोगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन है कि तेजी से काम करना है, किस तरीके से, थोड़ा सा बताइए ताकि सबको समझ में आए। क्योंकि बहुत लोग इस चीज से, अगर किसी और के साथ होता ना, तो आई एम 100% श्योर कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, शायद कभी दूसरा चैनल स्टार्ट नहीं करते। बट आप कैसे करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप करना चाहते हो, सेम रिजल्ट आप कैसे अचीव करोगे, तो थोड़ा शॉर्ट में बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही हुई है ना, अगर हम अच्छी चीज़, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा आपके साथ, तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि अभी आई एम स्किलफुल, चैनल गया है, बट चैनल बनाने वाला तो यही है ना। तो दूसरी बात, पहले वाले चैनल में बहुत सारी स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ पता ही नहीं था। अब भी आई कैन मेक वीडियोज इन जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट की वीडियो में 5 मिनट भी बना सकता हूँ। पहले 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मेरे को 50 मिनट लगते थे, तो अभी ये बहुत फायदा है, और इतनी बड़ा नेटवर्क अभी क्रिएट हो चुका है, लोग मेरे को जानते हैं, लोग मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग सर्च करते हैं मेरा, जो हैशटैग शुभम रोहिला, आप कहीं भी सर्च कर लो, यू विल फाइंड मी। तो नाम अभी बन चुका है, पुराने चैनल ने ये किया कि मेरा नाम बना दिया, तो अब आज भी सर्च करने पे दूसरे चैनल पे आप, हाँ बिल्कुल, सर्च करने पे आप कहीं ना कहीं मेरे को ढूंढ तो लोगे, ये बात फैक्ट है, अगर आप शुभम रोहिला सर्च कर रहे हो। तो लाइन ऑफ एक्शन यही है कि तेजी से काम करेंगे, ठीक है, और ये कुछ लाइफ टेस्ट करती है आपको, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टेस्ट कर रही है आपको, और लाइफ को बताना पड़ेगा कि यार, वी आर डिजर्विंग, तो लाइफ से चीज कितने वीडियोस पर वीक डालने का सोच रहे हो? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोचेंगे, लेकिन हाँ तेजी से काम करेंगे। और जितना मेरा कंटेंट, सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि वो कंटेंट जहाँ पे, जो मैंने उसमें गोल्ड डाला हुआ था, वो सारा जा चुका है, उसका कोई बैकअप नहीं है मेरे पास, तो वापस उन चीज को करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, या फिर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, या फिर मेरे को दुख नहीं है, बहुत दुख है, बट आगे बढ़ना ही जिंदगी है मेरे हिसाब से, तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू शुभम सर, आपके वर्ड्स इस सिचुएशन में, मेनली क्योंकि रिसेंटली हुआ है, इस सिचुएशन में वर्ड्स बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि बहुत लोग के चैनल्स है वो काम नहीं कर रहे, है ना। तो
एक्शन ही सबसे बड़ा रिकवरी प्रोसेस है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ टीएलएफ क्रिएटर्स में काम करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेक कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं काम करने के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।